नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 24 अप्रैल 2023 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का। और इस शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर के प्रश्नों की मुख्य रूप से हम आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आइए जानते हैं इस शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में जो मेमोरी बेस्ड है और हमें मिल पाए हैं। और अगर हम कहें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल चुके हैं पर्टिकुलर इन सेक्शंस के जिसकी हमने बात की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। तो ये केरल का है और ये लोक नृत्य से जो ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, इसके पहले भी पटवारी में शिफ्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब अगर आप रिव्यू देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन शिफ्टों वालों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम आज हम दूसरे जो है इससे रिलेटेड सब्जेक्ट की या हम मटेरियल की बात नहीं करते हैं। हम जल्दी से वीडियो ख़त्म करते हैं ताकि उन लोगों को जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है कम समय में ज़्यादा पॉइंट कवर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। निम्न में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो जिसका जवाब है एकम्बरेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये थोड़ा सा नाम सुधारिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। तो ये क्या ऑप्शंस रहे होंगे चारों, ये तो डिपेंड करता है क्या रहे होंगे। लेकिन इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ भवनवानी, परिशेष और विथिका पुनश्च जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा। अब यहाँ पर निम्न दे दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है। चार ऑप्शन थे, विदिशा, रतलाम या शहडोल, इस प्रकार से करके अलीराजपुर भी था शायद। तो उसमें से उनके कंपेयर में सबसे पूर्वी जिला पड़ता है शहडोल, जो सो इसका आंसर क्या है, शहडोल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ कहां से किया, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इटारसी जंक्शन है। और लेटेराइट मिट्टी किस तापमान पर पाई जाती है, तो जनरली ये हाई टेम्परेचर पर मिलती है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्न में से मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है। अब निम्न है मतलब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो आइए कुछ मध्य प्रदेश की जनजातियों के नाम जानते हैं। गोंड, भील, कोरकू, बेगा, सहरिया, कोल, भारिया, गोवारी और इनकी कई उपजातियां जो है प्रचलित हैं। अब आई थिंक ये क्वेश्चन ऑप्शंस पर ही निर्भर करेगा कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो यूएस फेड साक्षरता अवार्ड 2022 से संबंधित प्रश्न आया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम कौन चलाता है, तो ये पोस्ट ऑफिस चलाता है। और क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से विषम छाटी चार नदियां दे रखी थी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। तो हम सभी जानते हैं कृष्णा, कावेरी और महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में घिरती है, और इस तरीके से नर्मदा जो है अरब सागर में घिरती है। तो ये विषम इसका आंसर के अकॉर्डिंग नर्मदा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चले तो मुद्रा स्फीति में लोन की दर क्या होती है, तो ये जनरली क्या होती है, कम होती है। कथकली कितने प्रकार का होता है, तो ये जो है 5 प्रकार का होता है। और प्रतिभूति से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है सेबी से संबंधित पूछा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री की परिभाषा क्या है, तो इन्वेंट्री की परिभाषा है, इन्वेंट्री लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचने के लिए किसी व्यवसाय द्वारा रखी गई सभी वस्तुओं, सामानों, माल सामग्रियों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न जो है एक्यूरेट नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर इससे मिलता जुलता है तो काफ़ी हद तक ये भी ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो चलिए जनरल अवेयरनेस के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, आगे बढ़ते हैं साइंस के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न पूछा गया है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो आनुवंशिकता के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है। कास्ट आयरन में कितना कार्बन पाया जाता है, तो ये 2.5 से 5% तक पाया जाता है। और आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं, इसकी वृद्धि से कौन सा रोग होता है, तो पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो मरकरी होती है। और बेसिकली इसका कॉमन जो यूज होता है थर्मामीटर में होता है। खेत में एक साथ 2 फसल उगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है मिश्रित कृषि कहा जाता है। डेंगू किस
मच्छर के काटने से होता है तो ये एडिट एजिटी मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया का वाहक पूछा गया है तो मादा एनाफिलिश मच्छर है। और वुचेरिया ब्रेनक्रॉफ्टी परजीवी कीड़े की वजह से कौन सी बीमारी होती है, प्रश्न पूछा है, यानी कि फैक्टर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर कोई बीमारी है उसके फैक्टर यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये जो है फाइलेरिया इससे होता है। विल्स बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर और मस्तिष्क होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में बहुत हद तक जो है ऑप्शंस पर ही निर्भर करता है कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। संपर्क बल से प्रश्न आया था, तो बेसिकली जो कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं वो पेशी बल और घर्षण बल होते हैं, यानी कि जब सरफेस से सरफेस जो टच होती है और फिर बल लगता है तो उसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। तो ये लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। पौधों में परिसंचरण की कमी को कौन पूरा करता है, तो परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी कि लिक्विड का इधर से उधर फ्लो होना, यानी कि पानी का इधर से उधर फ्लो होना। तो जनरली जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, जाइलम सेल्स होती हैं, ये जो होते हैं वाटर को सर्कुलेट करने का काम करता है, और फ्लोएम जो होता है ये फूड मटेरियल्स को सर्कुलेट करने का काम करता है। ये क्वेश्चंस भी कॉमन है, पूछा जाता है, और इस बार भी पटवारी में पूछा गया था, हमने इसका भी रिव्यू किया था। अब आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर के उन प्रश्नों की तरफ जो कि मेमोरी बेस्ड है और को मिल पाए हैं। तो एमएस वर्ड में सिंबल किस मेनू में पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जो डिवाइस टेलीफोन लाइन द्वारा दो कंप्यूटर को जोड़ती है वह क्या कहलाती है, तो सबको पता है मॉडेम कहलाती है। और किस टोपोलॉजी में नोड्स सिंगल्स लेकेबल से जुड़े होते हैं, तो वो बस टोपोलॉजी है। एक्सेल में सेल्स को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, तो कमांड प्लस शिफ्ट प्लस के जो है इसका शॉर्टकट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड शिफ्ट पे। तो कंप्यूटर के इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं, तो जो क्वेश्चंस मिले हमने यहाँ पर उनकी चर्चा कर ली है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक बच रहे हैं वहाँ से भी रेगुलर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिक्स क्वेश्चन हमें नहीं मिले, सो हम इसका जो है जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आप कंप्यूटर को में बाकी टॉपिक भी कवर कर लीजिएगा। अब सेकंड शिफ्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो पहला क्वेश्चन है कि लघु संविधान किस संशोधन को कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें इतने अधिक संशोधन किए गए थे कि इसको लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई, जो कि इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था, और काफ़ी हद तक ये पॉलिटिकल अफेक्टेड था। बाद में इसके कई संशोधन प्रावधानों को 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू परिवर्तित भी किया गया था। चलिए तो अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो राज्यों के बीच अगर जल विवाद होता है के बीच जल विवाद का अनुच्छेद कौन सा है, तो वो आर्टिकल 262 है, जिसमें संसद को शक्ति है कि अगर किसी दो राज्य के बीच में जल विवाद हो रहा है तो वो जो है इसको रिजॉल्व करे, तो संसद को पावर है। इसी प्रकार से एक आर्टिकल 263 भी होता है, बहुत फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया है, जिसका हक जो है राष्ट्रपति को होता है। ये प्रश्न भी हो सकता है पूछा जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्वालियर इंदौर खंडपीठ को किस धारा के अंतर्गत लाया गया, तो 1968 में इसको स्थायी खंडपीठ किया गया था। तो ये जो परिवर्तन किया गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत किया गया है। और ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है अभी ही पटवारी एग्जाम में, हमने इसको इसका जिक्र जो है हमारी प्रीवियस वीडियो में एक शिफ्ट में किया था, ठीक है, और आज ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना पूछी थी, तो गुनाहों के देवता उन ऑप्शनों में से इसका सही जवाब था। आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो वर्तमान में BCCI जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो अध्यक्ष है वो है रोजर बिन्नी, जो 1983 में जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो उसका भी हिस्सा रहे थे, और भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन हैं, ये बात हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न हम देखें, तो राजस्व विभाग को किस धारा के अंतर्गत स्थापित किया गया था, प्रश्न आया था संभवतः मध्य प्रदेश से रिलेटेड था। अब इसके एक्यूरेट हमको जो है ऑप्शन या आंसर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें शॉर्ट में जो हम उचित है कहना इस प्रश्न के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत राजस्व मंडल का गठन किया गया, और उसका मुख्यालय कहां पर है, हमारे ग्वालियर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो भारत में अंतिम ऋणदाता या कौन है, तो जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। एक प्रश्न पूछा गया था किसी शिलालेख से और युद्ध से संबंधित, अब वो कौन सा शिलालेख था, किस राजा का शिलालेख था, वो फिलहाल नहीं पता चल पाया है। तो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़े कम मिले हैं कंपेरेटिवली फर्स्ट, तो इतने ही प्रश्न हैं।
अब हम बढ़ते हैं अगले शिफ्ट की ओर, अगले सेक्शंस की ओर। तो हम यहाँ पर बात करते हैं विज्ञान के उन प्रश्नों की जो हमको मिल पाए हैं। तो कॉपर को चीनी के बर्तन पर गर्म करने पर कौन सा समीकरण बनता है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। तो हम परफेक्ट इसका आंसर फिलहाल नहीं दे सकते। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन मिलता है। पेड़ की जो है जड़ में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, तो वो होता है शीर्ष विभिया जो उत्तक, जिसको बोलते हैं एपेक्स मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ऐसो क्रॉस से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, उसका फॉर्मूला पूछा था। तो इतना ही विज्ञान में मिल पाया है, कम मिल पाए हैं। अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो HTML में लिंक को कैसे लिखते हैं, पावर पॉइंट में नए दस्तावेज की शॉर्टकट की, Ctrl+J का उपयोग, तो हमको आपको पता है Ctrl+J वगैरह सेंट्रल में इधर उधर लेफ्ट राइट के लिए यूज़ होता है। MS-DOS में D का अर्थ क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और तो यहाँ पर डिस्क है इसका जवाब। और ईमेल में एक बार में कितने मैसेज आ जा सकते हैं, तो 100 जा सकते हैं, कितने 100 मेल्स। PPT में न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+N। फ्लाइट में एनिमेशन लगते हैं, वो किस मेन्यू में लगता है, कस्टम एनिमेशन। कंप्यूटर किस प्रकार का होता है, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे थे, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इस प्रकार से कंप्यूटर इसके ऑप्शंस थे। तो ये क्वेश्चंस भी ऑप्शंस अगर और परफेक्ट क्वेश्चन होता और आंसर होते तो बता पाते। जस्टिस फाइल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की, आई थिंक इसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं। और एंटीवायरस, एमएस वर्ड, फुल फॉर्म, एमएस पावरपॉइंट, नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं बाकी इन सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी में एक प्रश्न की बात करें जो मिला है हमें, तो अनुभव के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। इसके अलावा हिंदी के आपको बाकी भी सारे टॉपिक्स कर लेना है, यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन मिल पाया है मैनेजमेंट प्रबंधन से संबंधित, तो व्यापार में मंदी होती है तो क्या होता है, एक प्रश्न इस प्रकार से आया था। तो जो परफेक्ट क्वेश्चन हमें मिले हैं यहाँ पर हमने उनकी बात की है। आज के हमारे इस वीडियो में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैनेजमेंट की फिलहाल हमने चर्चा नहीं की है। इनके भी सारे सेक्शन आपको पता होंगे कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है। सो गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।